बुरहानपुर जिले के आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश ने रैली निकालकर 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। इस दौरान आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश जिला शाखा बुरहानपुर जिला अध्यक्ष भानुदास भांगले के नेतृत्व में अध्यापक शिक्षक संवर्ग की लंबित 9 सूत्रीय मांगों को और समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें आंदोलन करने के लिए अनुमति नहीं दी जाती है और बड़ी मशक्कत के बाद अनुमति दी भी दें तो हमें आंदोलन में पहुंचने नहीं दिया जाता। आंदोलन के दौरान सैकड़ों अध्यापक शिक्षक साथियों को निलंबित किया गया। आजाद शिक्षक संघ ने मांग की है कि यदि हमारी मांगों को निराकरण का नहीं होता है तो संघ के द्वारा आंदोलन को और अधिक उग्र किया जाएगा। ज्ञापन, पुरानी पेंशन बहाल की जाए और कर्मोन्नति प्रदान की जाए और जो हमारे 2006 के साथी जो लगे हैं उसके वेतन में विसंगति है उसको सुधार किया जाए। हमारे हड़ताल में साथी निलंबित हुए उनका वेतन दिया जाए, यह मांग हमारी है। आजाद अध्यापक संघ के बैनर तले क्रांति आह्वान पर ज्ञापन प्रेषित करने उपस्थित हुए थे, जिसमें हमारी गत 24-25 वर्ष पुरानी मांग है, पुरानी पेंशन की बहाली, पदोन्नति, क्रमोन्नति और जो वेतन विसंगति है उसे सुधारा जाए।